कहते हैं जब हल्दी होती है ना तो इधर उधर नहीं घूमना चाहिए हल्दी लगने के बाद, और मेहंदी लगने के बाद इधर उधर नहीं जाना चाहिए, नई जगह पे नई दुल्हन को मीठा नहीं खाना चाहिए ज्यादा, बाहर चौराहों पे या फिर चौराहे की चीजों को हाथ नहीं लगानी चाहिए। लेकिन जब ये आदिति की आज हल्दी थी ना, इससे एक बहुत बड़ी गलती हो गई आज। इसकी आज हल्दी रात थी और इसके साथ कुछ गलत हुआ है इस वाटिका में, मैं बताऊंगा आपको। लेकिन उससे पहले चैनल सब्सक्राइब मांगता हूँ, जो जो मेरी ऑडियंस है वीडियो को देख रही है, पुरानी को तो पता ही है कहानी कैसी होती है, क्या कुछ मिलता है सुनने को। लेकिन जो नई ऑडियंस है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल को पहले सब्सक्राइब करो, कमेंट करो कि हाँ नई ऑडियंस या हम आ चुके हैं, के बाद कहानी आगे बढ़ती है। और सुनिएगा, बताइएगा कैसी कहानी है, लास्ट में भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर देके जाइएगा प्लीज। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शंकर, मैं सुनाता हूँ कहानियां, ऐसे किस्से और कहानियां लेके आता हूँ आप सभी के लिए जो सच्ची घटना पर आधारित होते हैं। ये कहानियां एक सच पे आधारित होती है, जो सच आप सभी लोगों में से कुछ लोग मेरे पास भेजते हैं अपनी कहानियां, जो वो दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं कि ऐसी शक्ति भी इस धरती पर एग्जिस्ट करती है। और हाँ, हमने उसे महसूस किया है, अपनी लाइफ में उसे फेस किया है। आदिति और राजीव की आज हल्दी है, दोनों का ये फैमिली काफी स्ट्रोंग है, फाइनेंशियल कंडीशन से भी और वैसे भी काफी स्ट्रोंग है। तो हल्दी के लिए भी छोटे से छोटे फंक्शंस के लिए तो ये बड़ी से बड़ी रिजोर्ट बुक कर देते हैं। ये तो छोटी सी हल्दी के प्रोग्राम के लिए छोटा सा एक बैंक्वेट हॉल वाटिका बुक करी थी, उसमें आदिति की हल्दी थी। सब कुछ प्रोग्राम सेट होता है, सारे गेस्ट आते हैं जिन जिनको इनवाइट किया था, हल्दी का प्रोग्राम स्टार्ट होता है, कैमरा मैन आता है, सारे प्रोग्राम आराम से अच्छे से चल रहे थे। आदिति की हल्दी होते होते आदिति को कॉल आता है राजीव का। आदिति कॉल उठाकर सुनने के लिए, जब होती है हल्दी तो कॉल आती है तो सहेलियां सारी पास में ही बैठी होती है। अदिति को हल्दी लग चुकी थी और राजीव का कॉल आया जब, तो वो उस फोन को लेकर सुनने के लिए अपनी सहेलियों के मतलब छेड़ेंगी ये करेंगी अंदर भाग गई, अंदर से सीधा टॉप फ्लोर पे। हल्दी लगवाने के बाद रात में टॉप फ्लोर पे जाके बात करने लगी, हल्दी लगी ही हुई थी। हालांकि टॉप फ्लोर पे जाते हुए लिफ्ट में जो आदमी खड़ा होता है ना, जो लिफ्ट वो हैंडल करता है, उसने आदिति को कहा भी कि मैम आपको हल्दी लगी है, आपको ऊपर जाना ठीक नहीं है। आदिति ने कहा मेरे को बस 5 मिनट बात करनी है, मैं वापस आ जाऊंगी प्लीज। उस गार्ड के मना करने के बावजूद भी आरती टॉप फ्लोर पे गई और आगे उसकी कहानी हमारे पास आ गई। फिर आदिति टॉप फ्लोर पे जाके फोन पे बात कर रही होती है कि हाँ हल्दी की रस्म हो गई, हाँ सब तैयारियां ठीक चल रही है, ये हो। दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, अरेंज मैरिज थी लेकिन जैसे ही रिश्ता हुआ था दोनों ने आपस में बात करनी शुरू कर दी थी, अटैचमेंट ऐसा हो गया था दोनों के बीच, अंडरस्टैंडिंग ऐसी हो गई थी कि दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानने लगे थे, लवर्स की तरह बात करने लगे थे एक दूसरे से, दोनों काफी खुश भी थे। आदिति जब ऊपर बैठ के बात कर रही थी तो आदिति के कंधे पे किसी ने 2 बार टैप किया, 1 2। आदिति पीछे पलटती है, पीछे कोई नहीं था, लेकिन आदिति को महसूस हुआ कि हाँ किसी ने हाथ रखा है। आदिति उस टाइम माइंड नहीं करती इस बात को, बात बात करके नीचे चली जाती है। नीचे जाने के बाद उसके तो पूरे शरीर पे हल्दी लगी हुई थी। नीचे जाने के बाद आदिति वहां जाकर अपने फादर से कहती है कि पापा यहाँ चिकन है? नहीं बेटा, चिकन तो हल्दी के प्रोग्राम में हमने नहीं बनवाया, सब वेज है। पापा मुझे चिकन खाना है।
अब आदिति अपने डैड से कह रही है मुझे चिकन खाना है, कहीं से भी लाओ फटाफट मुझे चिकन खाना है पापा। आदिति के पापा सोचते हैं कि हाँ चलो कोई मन होगा लड़की का आज लाके दो। खाते थे, ऐसे नहीं है कि वेजिटेरियन थे, नॉन वेज भी खाते थे, लेकिन हल्दी के इस शुभ अवसर पे उन्होंने सब वेज प्रोग्राम किया हुआ था। आदिति के लिए चिकन मंगा देते हैं, तो थोड़ा सा एक आदमी कितना ही खा लेगा, और आपको पता ही है थोड़ी जो रिच फैमिली होती है वो थोड़ा जूस आधी रोटी थोड़े चावल और ये वो थोड़ा बहुत खा के काम चलाते हैं। आदिति के लिए वहाँ दो रोटी और एक कटोरी में चिकन लाया गया जिसे हाफ प्लेट कहते हैं। आदिति सारा चिकन खा गई, वो दोनों रोटी खा गई, दो रोटी अपने प्रोग्राम में से मंगा कर खा गई और अपने पापा से कहती है पापा आपने इतना ही चिकन मंगाया था क्या, इससे तो मेरा पेट नहीं भरा। आदिति के पापा सोच में है यार, आदिति को एकदम क्या हुआ, पहले तो आदिति इतना खाती नहीं थी यार, एकदम से कैसे, कुछ तो हुआ है। आदिति को कहता है कि कोई बात नहीं बेटा, अभी थोड़ा प्रोग्राम निपटने दो, अपना जो भी है बचा हुआ है वो कर लो, तुम्हें जब घर चलेंगे गाड़ी से तो तुम्हें गाड़ी के अंदर खाने को दे देंगे, खाते खाते घर चल देना। आदिति कहती है ठीक है, जाती है अपनी फ्रेंडों के पास बैठती है, तो हल्दी की रस्म अभी बाकी थी, जो भी गीत संगीत थे उनके जो भी रस्म होती है वो बाकी थी। तो आदिति को जब हल्दी लगनी शुरू होती है तो आदिति जब इधर उधर देखती है तो अपने सीधे हाथ के कंधे पर जब देखती है तो उस पे उंगलियों के निशान थे। हल्दी कोई लगाता है तो इस तरह से लगाता है, पूरे यूं जाते हैं हाथ, तो उसके इस तरह से निशान थे और उंगलियां यूं नहीं थी कि किसी ने सामने से पकड़ा है, उंगलियां इस तरीके से छपी थी कि किसी ने उसे पीछे से हाथ लगाया हो। आदिति देख के उसने हाथ किने लगा दिया, कोई पीछे खड़ा भी नहीं था जब प्रोग्राम हो रहा था। आदिति उस बात को माइंड नहीं करती, प्रोग्राम खत्म होता है, घर जा रहे होते हैं, उसके फादर उसके लिए फिर थोड़ा सा चिकन लेके आते हैं, उसे देते हैं और थोड़े से चावल वावल अरेंज करके उसे देते हैं कि खाते हुए चल देगी। जब उसके पापा गाड़ी में बैठे हुए उसे देखते हैं खाते हुए, तो आदिति हाथ से ऐसे मांड कर खा रही थी और ऐसे चिकन उठाकर मतलब बुरी तरीके से खा रही थी, आज तक ऐसे खाते हुए देखा नहीं था आदिति को। आदिति के पापा कहते हैं बेटा ठीक तो हो ना, कोई परेशानी तो नहीं है? हाँ पापा मैं ठीक हूँ। आदिति क्या हुआ तुम्हें? आदिति की आवाज बदल चुकी है और आदिति किसी भारी आदमी की आवाज में बोली है इस टाइम पे। आदिति घर जाती है, घर जाके अपने कमरे तक पहुंचती है, तो कमरे तक पहुंचते पहुंचते ही उसका मतलब शरीर आदिति को अपने आप ही भारी लगने लगा था, बहुत ज्यादा भारी लगने लगा था, जिसकी वजह से आदिति ऐसे झुक चुकी थी पूरी। आदिति के पापा देखते हैं कि यार कुछ तो प्रॉब्लम है मेरी बच्ची के साथ। आदिति की एक खुशकिस्मत थी कि अगले दिन उनके घर पे उनके घर का जो जाना माना पंडित होता है, जो फैमिली पंडित होता है, जो हर काम में उनके पास आता है, उन्हें शुभ मुहूर्त बताता है, घड़िया बताता है कि इस समय ये काम करो उस समय वो काम करो, अगले दिन उसको आना था घर पे। रात बीतती है, सुबह होती है, वो जो पंडित था जो इनके घर आना था जिनका नाम राजपाल जी था, वो इनके घर पे आते हैं, तो पंडित जी आते ही कहते हैं कि और बेटा बताओ कैसे हो। पंडित जी सब ठीक है, पूरा परिवार प्रणाम करता है। आदिति अपने कमरे में सो रही थी, तो पंडित आते ही आदिति के पापा के कंधे पे हाथ थपथपाते हुए कहता है कि घर में कुछ गलत है, कोई नया सदस्य आया हो तुम्हारे घर में जिसे तुम ना जानते हो। आदिति के पापा कहते हैं कि नहीं ऐसा तो कोई नहीं है हमारे घर में जिसे हम ना जानते हो। नहीं आप ठीक से याद करके बताइए, कोई है क्या ऐसा घर में जो आपके घर में काम करने आया हो या फिर कुछ और बात।
नहीं, जो भी अरेंजमेंट था हमने तो वाटिका में करवाया था, घर पे कोई काम के लिए अभी तक नहीं आया। कुछ अजीब है घर में। पंडित जी आप खुल के क्यों नहीं बताते, क्या हुआ, क्या बात है? नहीं मैं कुछ आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन आपको मैं बता दूं कि घर में कुछ गलत आ चुका है। मतलब आपका गलत आ चुका है से कि क्या गलत आ चुका है? मेरा मतलब है कि घर में किसी ने या तो कुछ छोड़ा है या किसी के साथ कुछ आया है घर के अंदर, कुछ नेगेटिव एनर्जी महसूस हो रही है। पंडित जी आप कैसी बात कर रहे हैं? आपको पता है हम इन सब चीजों पे ज्यादा विश्वास नहीं करते, लेकिन आप कहोगे तो हम कैसे इन चीजों से विश्वास करे बिना रहेंगे? ये पंडित इस फैमिली को आज से मान लो 15 से 20 साल पहले से जानता है, जब आदिति मान लो पैदा भी नहीं हुई थी, ये पंडित जब से इस परिवार को जानता है। कहते हैं कि बच्ची कहाँ है, आदित्य को पंडित जी बच्ची कहते थे। बच्ची कमरे में सो रही है, बुलाओ एक बार बच्ची को। आदित्य की मम्मी कमरे में जाती है, आदित्य को जगा के लाती है, तो आदित्य की हालत आज बिल्कुल डाउन थी। उसका जो हंसमुख चेहरा था आज डाउन हो चुका था, गाल पे चक चुके थे, बाल भी पहले से हुए थे, आंखों के नीचे काले धब्बे। आदिति जब नीचे आती है तो उसके पापा भी उसे देखकर हैरान रह जाते हैं, जो अपने ऊपर इतना खर्चा करती थी, अपनी इतनी केयर रखती थी, आज वो इस हालत में कैसे आ गई नीचे उतर गई। नहीं तो आदिति को जब कमरे से उठाया जाता था तो वो करीब 1 घंटे के बाद ही अपने कमरे से निकला करती थी अपनी हालत ठीक करके। लेकिन आदिति आज उठाते ही कमरे से बाहर आ गई। पंडित जी आदिति को बिठाते हैं, सब पूछते हैं, सब ठीक ठाक हो गया, सब खुश हो, हाँ जल्दी तुम्हारी शादी हो जाएगी, शुभ मुहूर्त निकालने आया हूँ मैं। चलो कोई नहीं, आप जाके आराम करो बेटा। आदिति को पंडित जी कमरे में भेज देते हैं। आदिति के पापा वहीं बैठे होते हैं, पूछते हैं पंडित जी हुआ क्या है, आप साफ साफ क्यों नहीं बताते? मैं आपको बता दूं कि आपके घर में कल आदिति के जरिए कुछ बुरी चीज आ गई है। जितना जल्दी हो सके घर में एक हवन रखवाइएगा और एक पूजा करवाइए। पंडित जी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आदिति भी कल ऐसी ऐसी हरकतें कर रही थी, मुझे पता है क्या हुआ है, आप जल्दी से इन चीजों का इंतजाम कीजिए। चीजों का इंतजाम किया जाता है। पंडित जी एक और फोन करते हैं, अपने जो साथ के थे उनको फोन करते हैं, वो आते हैं घर में। पंडित जी इन चीजों में इतना एक्सपर्ट नहीं थे, लेकिन पंडित जी को ये चीज आती थी, उतारा भी आता था और इन सब चीजों को महसूस करना भी आता था, लेकिन जिनको इन्होंने बुलाया था ना, उन्होंने अच्छी अच्छी चीजों के रोग तोड़े थे। बुलाते हैं, सारी बातें बताते हैं तो उतारा किया जाता है। आदिति की मम्मी से कहते हैं कि आदिति के थोड़े से बाल लाओ आदिति को बिना बताए। आदिति की मम्मी जाती है तो आदिति के थोड़े से बाल काट कर ले आती है। कोई कंघे में से नहीं मंगाए थे, ये बोले थे कि बिल्कुल जो अभी आदिति के सर से निकले हुए बाल हो वो लेके आना। आदिति के बाल लेकर आते हैं, उन बालों से उतारा किया जाता है। जब उतारा किया जा रहा था ना, तो राघव जी उनके भाई हैं आदिति के। राघव जी ने बताया कि आदिति के कमरे से आवाज आने लगी चीखने चिल्लाने की। जब सबने आदिति के कमरे के जाने के पास कोशिश की तो पंडित जी ने मना कर दिया कि कोई कमरे के पास मत जाओ, ये घर का मेन दरवाजा है ना, ये खोल दो तुम। मेन दरवाजा खोल दिया जाता है। राघव ने मुझे बताया कि कुछ तो निकल के गया था हमारी आंखों के सामने से, लेकिन वो कुछ हल्का सा धुएं जैसा था, परछाई जैसा था, ढंग से दिखाई नहीं दिया, मुझे नहीं किसी को भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन कुछ गया था बहुत तेज।
उसके बाद आदिति की शादी हुई है। और जब ये उतारे के बाद आदिति को बुलाया गया ना, वो 1 से 1.5 घंटे में ही अपने कमरे से बाहर आई। ये चीजें भी होती हैं। तो मेरी तो यही है कि भाई इन चीजों को मानो या ना मानो, लेकिन इन चीजों का कभी मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए। जो कहते हैं ना कि फेक वीडियो है भूत का, ठप्पा लगा के रे, मोहर लगा के रे, भूत होते हैं। किस दिन अपने आप ठप्पा लगा देंगे वो कि हम हैं, और फिर भागते डोलोगे, कोई मिलता नहीं है ऐसे इलाजों के लिए, भागते ही डोलते हैं। फिर आजकल बहुत कम रह गए हैं ऐसे पंडित, अघोरी, तपस्वी, तांत्रिक, जो इन सब चीजों को उतार दे। बाकी आपकी मर्जी है। रहना जी की वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद वीडियो एंड तक देखने के लिए। मेरा तो इतना ही कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो अच्छा होगा, ना तो वीडियो तो हमें जब भी बनानी है नए व्यूवर्स के लिए। धन्यवाद वीडियो तक आने के लिए, धन्यवाद एंड तक देखने के लिए।